और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं, इस समय गजेंद्र सिंह शेखावत मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने से पहले माननीय मोदी जी ने व्यक्त किया था कि देश की जनता ने हमें देश चलाने के लिए नहीं अपितु देश बनाने के लिए, देश बदलने के लिए सौभाग्यपूर्ण अवसर प्रदान किया है। और उसी वक्तव्य में उन्होंने ये स्पष्ट किया था कि देश को बदलने का मार्ग जो है वो एक तरफ गांव, गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित, दलित इन सब के जीवन में परिवर्तन लाने से होकर जाता है, लेकिन दूसरी तरफ देश की आधारभूत अवसंरचनाओं को बढ़ाकर भविष्य के भारत का निर्माण किया जा सकता है। आज 10 बरस बीत जाने के बाद में यदि पीछे घूम करके देखें तो जहां एक तरफ गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने में मोदी जी की सरकार कामयाब हुई है और पिछले एक दशक में सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के चलते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ की समिति, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और नीति आयोग तीनों की साझा रिपोर्ट ये कहती है कि 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर निकलकर निम्न मध्यम वर्ग या मध्यम वर्ग का जीवन, सौभाग्यपूर्ण जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त कर चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत ने आधारभूत अवसंरचनाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में एक नई क्रांति के युग का दर्शन किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये स्पष्ट सोच कि किसी भी देश के विकास में, विकास की यात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण मात्र परिचालन का साधन, मींस ऑफ नेविगेशन होने के बजाय सस्टेनेबल ग्रोथ और इंक्लूसिव ग्रोथ का माध्यम होता है। जैसा हमने पढ़ा होगा अमेरिका के एक पूर्व राष्ट्रपति का कथन कि अमेरिका आर्थिक दृष्टि से संपन्न है, इसलिए अमेरिका की सड़कें बेहतर हैं, ये कहना उचित नहीं होगा। हकीकत यह है कि अमेरिका की सड़कें बेहतर थी, इसलिए अमेरिका आर्थिक दृष्टि से संपन्न हो सका। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी देश को विकसित बनाने का जो लक्ष्य 2047 तक का लिया है, बेशक उसका उद्घोष 2023 में किया होगा जब भारत अमृत काल में प्रवेश कर रहा था, आजादी के 75 वर्ष पूरे हुए थे, लेकिन ये सत्य सभी को स्वीकार करना पड़ेगा कि उसकी तैयारी 2014 में सरकार संभालने के साथ ही उन्होंने प्रारंभ कर दी थी। इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की इस श्रृंखला में जहां इस इंफ्रास्ट्रक्चर के विभिन्न घटक रोड, रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज, डेटावेज, एनर्जी और सैटेलाइट, इन सारे फ्रंट्स पर सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से काम किया है, मैं ये कह सकता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर के नवनिर्माण की एक क्रांति इस देश में चल रही है। बीते 9 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर 34 लाख करोड़ रुपया भारत की सरकार ने खर्च किया है। पिछले एक साल में 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश भारत सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर किया था।
जो यदि मैं 2013-14 की तुलना में देखूं तो उससे कई कई गुना अधिक है। इस वर्ष भी बजट के घोषणा में कैपिटल एक्सपेंडिचर पर माननीय वित्त मंत्री जी ने 11 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, और सामान्यतया यदि हम आर्थिक जगत की परिभाषा या उनके आकलन के अनुरूप अध्ययन करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर की पर की गई खर्च की गई राशि का उस साल की जीडीपी पर 2.45 टाइम्स इंपैक्ट होता है, और आने वाले सालों में जो कैस्केडिंग ईयर्स उसके बाद के वर्ष हैं उन पर वो लगभग 3.5 टाइम्स जो है प्रोडक्टिव होता है। आरबीआई की स्टडीज भी ये कहती हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में निवेश किए गए प्रत्येक रुपए से 3.25 रुपए रुपीज प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पर काम हुआ है उसके चलते हुए निश्चित ही भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाई मिली है, नया उछाल मिला है। और अनेक अध्ययन ये कहते हैं कि भारत आज विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था मात्र इसीलिए बन पाया है कि भारत ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश को न केवल सुदृढ़ किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश को न केवल बढ़ाया है अपितु इसको कंटिन्यूटी दी है। निरंतर इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश को बढ़ाए जाने के अपने संकल्प के चलते हुए और जो लक्ष्य तय किए हैं उन लक्ष्यों को ईमानदारी से पूरा करने के सोच के चलते हुए आज भारत आर्थिक दृष्टिकोण से विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ने वाला देश बन चुका है। यदि मैं सड़क के क्षेत्र की बात करूं, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने प्रधानमंत्री काल के दौरान इस लक्ष्य के साथ, इस विजन के साथ कि गांव का विकास का मार्ग सड़क के निर्माण के द्वारा जाता है, उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की थी। पिछले 9 साल के माननीय मोदी जी के कार्यकाल में 4 लाख किलोमीटर लगभग नई ग्राम सड़कें बनी हैं। देश में नेशनल हाईवेज की लंबाई जो माननीय मोदी जी की सत्ता में आने के समय में 90,000 किलोमीटर थी, जिस 90,000 किलोमीटर के आंकड़े तक पहुंचने में देश को 67 साल लगे थे, आज उसमें 56% का इजाफा होकर के वो 1,46,000 किलोमीटर जो है नेशनल हाईवेज की लंबाई हुई है। इसके अतिरिक्त भी नेशनल हाईवेज से ऊपर उठ करके डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स और एक्सप्रेसवेज का निर्माण भी बहुत तेज गति के साथ में चल रहा है, और सरकार ने जो संकल्प व्यक्त किया है कि आने वाले समय में हम विकसित भारत की आवश्यकताओं को देखते हुए इसको और अधिक गति प्रदान करेंगे। देश में 4 लेन एक्सप्रेसवेज की जो लंबाई है वो पिछले 10 साल में 2.5 गुना बढ़ी है। हाई स्पीड कॉरिडोर्स की लंबाई जो आज 4,000 किलोमीटर है, जो मात्र 500 किलोमीटर थी, उसमें 8 गुना वृद्धि हुई है। यदि मैं एयरपोर्ट्स के दृष्टिकोण से देखूं, हम सब जानते हैं कि जहां एक तरफ उड़े देश का आम नागरिक इस संकल्पना के साथ में हवाई किराए को कम किया गया, वहीं दूसरी तरफ देश में एयरपोर्ट कनेक्टिविटी को बढ़ाने की दिशा में भी एक अभूतपूर्व छलांग देश ने पिछले 9 साल में लगाई है। हवाई अड्डों की संख्या जो 74 हुआ करती थी, आज देश में वो बढ़ दुगनी होकर के 149 हवाई अड्डे फंक्शनल हो गए हैं। इसी तरह से
देश में वाटरवेज को बढ़ाने के दृष्टिकोण से एक तरफ सागरमाला परियोजना के माध्यम से देश के बंदरगाहों को सुदृढ़ करने की दिशा में काम किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी की यह स्पष्ट सोच कि हमारा कोस्टल एरिया जो है वो हमारा डेवलपमेंट का गेटवे है और वहां इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करके हम आर्थिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में सशक्त कदम आगे बढ़ा सकते हैं। देश के पुराने बंदरगाहों को कार्यशील बंदरगाहों की इफेक्टिविटी और फंक्शनैलिटी को बढ़ाने के लिए काम हुआ और साथ ही साथ में नए बंदरगाहों के निर्माण के लिए भी काम हुआ है। आज देश के बड़े बंदरगाहों पर कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी उन बंदरगाहों के आधुनिकीकरण के प्रयासों के चलते हुए दुगनी से ज्यादा हो गई है और इसके साथ साथ में देश में इनलैंड वाटरवेज को पहचान करके देश में 100 से ज्यादा इनलैंड वाटरवेज की संकल्पना करते हुए उस पर भी तेज गति से काम आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। यदि मैं वाटरवेज से आगे बढ़ करके रेलवेज की बात करूं तो देश ने एक अभूतपूर्व क्रांति और परिवर्तन जो है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में देखा है। एक तरफ जहां वंदे भारत और नमो भारत जैसे आधुनिक सेमी हाई स्पीड रेलवे संचालित होते हुए हम सब देख रहे हैं, वहीं देश में रेल मार्गों का इलेक्ट्रिफिकेशन का काम जिस गति से हुआ है वो अनप्रेसिडेंटेड है, अकल्पनीय भी है। आज देश के लगभग 90% से ज्यादा रेल मार्गों का इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है और माननीय प्रधानमंत्री जी कल संसद में अपना वक्तव्य देते हुए राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपना वक्तव्य देते हुए कह रहे थे कि यदि इस जिस गति से पहले इलेक्ट्रिफिकेशन होता था उसी गति से इलेक्ट्रिफिकेशन होता तो शायद देश को इस मुकाम तक पहुंचने के लिए अभी 70-75 साल तक और इंतजार करने की आवश्यकता थी। इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ साथ में डीकंजेशन के लिए जिस तरह से लाइनों का मल्टीप्लिकेशन हुआ है, नए रेल मार्ग बन रहे हैं, आधुनिक कोचेस बना करके जहां एक तरफ रेल के यात्रा को के अनुभव को बेहतर बनाने की दिशा में काम हुआ है, वहीं आधुनिक रेलवे स्टेशंस के निर्माण के दृष्टिकोण से भी देश ने एक नई क्रांति को महसूस किया, अनुभव किया है। आज देश भर में 500 से ज्यादा रेलवे स्टेशंस के आधुनिकीकरण का काम चल रहा है और एयरपोर्ट की तर्ज पर हमारे एयर जो है वो रेलवे स्टेशंस बने, इस दृष्टिकोण से भारत में एक नए युग का सूत्रपात हो चुका है। यदि मैं मेट्रो रेल्स की बात करूं तो पिछले 10 साल के इस कालखंड में जिस तरह से मेट्रो रेल की के क्षेत्र में भारत में काम हुआ है, आज भारत दुनिया में तीसरे बड़े मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है। इसी तरह से यदि डेटाबेस की बात की जाए, देश का प्रत्येक गांव ब्रॉडबैंड से जुड़े, इस दृष्टिकोण से जो योजना प्रारंभ की गई थी वो योजना आज धरातल पर साकार होती भी दिखाई दे रही है। अगर मोबाइल डेटा नेटवर्क के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत में जिस तरह से एक तरफ 5G रोल आउट हुआ, स्वदेशी तकनीकी के साथ में रोल आउट हुआ और वहीं दूसरी तरफ भारत में मोबाइल कम्युनिकेशंस के लिए टावर इरेक्शन की दृष्टिकोण से भी दुनिया में सबसे तेज गति से काम होने वाले देशों की श्रृंखला में हम आकर के खड़े हुए हैं। डेटा कनेक्टिविटी के साथ में डेटा की प्राइसेस को कम करने की दृष्टिकोण से जिस तरह से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम हुआ, आज उसका प्रभाव भी चहुं दिशा में दिखाई दे रहा है। एनर्जी के सेक्टर में यदि मैं बात करूं तो एनर्जी ट्रांसमिशन का नेटवर्क जिस तरह से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सुदृढ़ हुआ, हमारे ग्रिड के इम्प्रूवमेंट पर जिस तरह से काम हुआ है, ग्रिड की सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए जिस तरह से काम हुआ है, उसका प्रभाव बिजली की आपूर्ति पर अब दिखाई देने लगा है।
मुझे स्मरण आता है उस समय में जब 2014 में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी और सरकार बनने के समय के कुछ ही समय बाद जब देश का यान मंगल ग्रह पर पहुंचा था और लोकसभा में इस देश की सफलता को लेकर के संसद में चर्चा हो रही थी, सभी लोग अपने अपने दृष्टिकोण से देश की सरकार को बधाई दे रहे थे, कुछ अपने राजनीतिक मजबूरियों के चलते वे उसके राजनीतिक दृष्टिकोण से टिप्पणी कर रहे थे। मुझे भी एक नए सांसद के रूप में बात करने का अवसर मिला था, तब मैंने कहा था कि देश बेशक मंगल ग्रह तक पहुंचा है, आने वाले समय में हम चांद तक भी पहुंचेंगे, शायद उससे भी आगे हम चले जाएंगे, लेकिन मैं तो जिस क्षेत्र से आता हूं, मैंने कहा था कि पश्चिम राजस्थान के उस क्षेत्र में लाखों परिवार ऐसे हैं जहां आज भी बिजली नहीं पहुंची, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके बाद मैं अभिनंदन करना चाहता हूं कि उसके बाद सौभाग्य योजना और दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना, इन दोनों योजनाओं की संकल्पना की और 1000 दिन में देश के 18,400 से ज्यादा ऐसे गांव, ऐसी पंचायतें जहां बिजली 21वीं शताब्दी में भी नहीं पहुंची थी वहां बिजली पहुंची और देश के हर घर में बिजली पहुंचाने के संकल्प को भी साकार होते हुए हम सब ने देखा है। बिजली की आपूर्ति बढ़े इसको लेकर के देश के भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए देश में एक तरफ जहां ग्रिड्स के स्टेबलाइजेशन और सुदृढ़ीकरण पे काम हुआ, आईपीडीएस स्कीम के माध्यम से देश के सरकार ने राज्यों में विद्युत आपूर्ति के अवसंरचना तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए दिशा में निवेश किया, वहीं दूसरी तरफ रिन्यूएबल एनर्जी और सोलर एनर्जी के उत्पादन के दृष्टिकोण से भी विश्व के इस मानचित्र पर, सोलर एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी के मानचित्र पर अपने आप को एक उदीयमान सितारे के रूप में स्थापित किया है। इसी के साथ साथ में भविष्य के ईंधनों के दृष्टिकोण से देखते हुए हाइड्रोकार्बन फ्यूल पर डिपेंडेंसी को कम करना और उस लक्ष्य को लेकर के जो ब्लेंडिंग इन हाइड्रोकार्बन फ्यूल का कमिटमेंट जो भारत का था, उस कमिटमेंट से भी किसे बहुत पहले उस लक्ष्य को प्राप्त करने में भारत ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सफलता प्राप्त की है। इसी के साथ साथ में एथेनॉल ब्लेंडिंग से आगे बढ़कर के एथेनॉल के निर्माण और एथेनॉल ब्लेंडिंग से आगे बढ़कर के यदि मैं फ्यूचर फ्यूल की तरह हाइड्रोजन को देखूं, तो भारत ने देश के उन चुनिंदा देशों में जिन्होंने अपनी ग्रीन हाइड्रोजन निर्माण की पॉलिसी को न केवल घोषित किया अपितु तो उस दिशा में तेज गति से काम करते हुए विश्व के अनेक देशों के साथ में ग्रीन हाइड्रोजन की आपूर्ति के करार भी भारत में किए हैं। और मैं ये मानता हूं कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उठाया गया ये ग्रीन हाइड्रोजन की दिशा में, निर्माण की दिशा में कदम भारत के आने वाले समय में भारत की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को न केवल पूरा करेगा अपितु तो भारत के एनर्जी रिक्वायरमेंट की। तो ये आप देख रहे थे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत।